सीटेट 2021 में 125 प्लस नंबर आपके आ सकते हैं। एसएसटी सामाजिक अध्ययन के सबसे बेस्ट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। इस वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो पहले क्वेश्चन से 10वें क्वेश्चन तक आपको पूरी वीडियो देखनी है। और हमारे बैक टू स्कूल की एंड्रॉइड एप्लीकेशन को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो कर लीजिए दोस्त, काफी जल्दी से। और सब्सक्रिप्शन जिन दोस्तों ने लिया है उनके नाम आपसे शेयर करना चाहता हूं। 23 तारीख को यानी कि परसों शिखा सिंह, सईद जमाल हयात और सोनिया तोमर ने सब्सक्रिप्शन लिया था, उसके लिए थैंक यू। और कल 4 स्टूडेंट्स ने सब्सक्रिप्शन लिया, और वो 4 स्टूडेंट महेश तुम्बाड़ा, पुष्पा भारती, रुचि धीमान और उज्ज्वला शुक्ला हैं। तो इन चारों को थैंक यू। और ये सारे स्टूडेंट्स देखेंगे कि किस तरीके से सीटेट में इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा तगड़ा हुआ मिलेगा आपको। और दोस्त 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है हमारी बैक टू स्कूल के एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर चुके हैं, आप भी कर लो। और ये जो बेस्ट 10 की वीडियो है दोस्तों सोशल स्टडीज़ में, ये है तीसरे वाली वीडियो। और बेस्ट 10 की एमसीक्यू की वीडियोज़ के अलावा मैं आप लोगों के लिए क्या और करवा रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए चैप्टर भी करवा रहा हूँ सोशल स्टडीज़ के, तो आपको मिस नहीं करना है और डेली हमारी क्लासेस को आपको ज्वाइन करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु विषुवव के लिए सही विकल्प का चयन करें। अगर मैं आपसे इंग्लिश में पूछूं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ऑटम एट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध को क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बताइए अगर ऑटम में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में क्या ठीक है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर रेखा को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। भूमि के ऊपर सूरज भूमध्य रेखा के दक्षिण में पहुंचता है, ओवरहेड सन रीचेज साउथ ऑन टू द इक्वेटर। अंटार्कटिक सर्कल हैज 24 आवर्स ऑफ डेलाइट, यानी कि अंटार्कटिक चक्र में 24 घंटे का दिन होता है। या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन, दक्षिणी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की ओर होता है। बताइए उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु पर विषुवत व्रत पर क्या होता है? बताओ आंसर क्या होगा यहां पर। उत्तरी गोलार्ध में जब शरद ऋतु होती है तो जो विषुवत है दोस्त वो प्रत्येक वर्ष 22 या 23 सितंबर को होता है, क्योंकि सूर्य आकाशीय भूमध्य रेखा को दक्षिण की ओर जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत विषु होता है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? आंसर होगा यहां पर बी, भूमि के ऊपर सूरज भूमध्य रेखा पर दक्षिण में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल का एक उदाहरण है? विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फूड क्रॉप। खाद्य फसल को क्या बोलते हो? फूड क्रॉप। टी कॉटन मेज कॉफी, चाय कपास मक्का या फिर कॉफी। देखिए खाद्य पदार्थ का उदाहरण है यहां पर मक्का, मेज, ठीक है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा सी वाला, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या को पूरा करने के लिए जो है अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और प्रमुख खाद्य फसलें चावल, मक्का, बाजरा और गेहूं है। ये चाय हुई, कॉफी हुई, ये पेय फसलें हुई, और जबकि ये जूट और कपास ये फाइबर फसलें हैं, ठीक है। ये चाय हुई, ये पेय फसल है, खाद्य फसल नहीं है। कॉफी भी आपकी पेय फसल हुई जिनको पिया जाता है, और कपास और जूट आपकी कैसी हुई? फाइबर फसलें। और मक्का, चावल, गेहूं ये आपकी खाद्य फसलें हो गई। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा हिमनद है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर। हिमनद को क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं। कंचनजंगा, गंगोत्री, केदारनाथ या रंडन, बताइए कौन सा है? देखिए गंगोत्री जो है वह है 26 किलोमीटर, रंदन है 19 किलोमीटर, ग्लेशियर सबसे बड़ा, और कंचनजंगा है 16 किलोमीटर, और केदारनाथ है 14 किलोमीटर।
अब बताओ सबसे बड़ा ग्लेशियर इसमें से कौन सा हुआ? आपने एकदम से चूज किया गंगोत्री, हो गया। सबके डिस्टेंस भी हमने लिख दिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सूची एक और दी, एक और दो आपको दी गई है और आपको मिलान करना है। चलो अब इसके ऑप्शन तो मैंने दिए नहीं है साइड में, बस आपको मिलान करके बताना है कौन सा कहां पर है। देखिए करमपुरा, वैसे तो करमपुरा दिल्ली में भी है, मेरा कॉलेज था करमपुरा के अंदर, दीनदयाल उपाध्याय दिल्ली यूनिवर्सिटी का, लेकिन करमपुरा है झारखंड के अंदर। किसके अंदर दोस्त? झारखंड के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जो करमपुरा है झारखंड, ठीक है, उसके अलावा जो कोरबा है, कोरबा है आपका छत्तीसगढ़ में, उसके बाद नेवेली जो आपकी है वो है तमिलनाडु में, और जो सिंगरेनी है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है दोस्त, इस तरीके से इनका जो है आप मैच कर दोगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चट्टान प्रणाली में भारत में लोह अयस्क पाया जाता है? इन विच रॉक सिस्टम आउट ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन ओर फाउंड। लोह अयस्क को आयरन ओर बोला जाता है, क्या बोलते हैं आप? आयरन ओर बोला जाता है। तो बताइए किस में पाया जाता है, धारवाड़, कड़प्पा, विंध्य या गोंडवाना? आंसर बताइए। देखिए अगर मैं लोह अयस्क आयरन ओर की बात करूं तो वो धारवाड़ में पाया जाता है, धारवाड़ जो रॉक सिस्टम है उसके अंदर पाया जाता है। और अगर बात करूं धारवाड़ रॉक सिस्टम की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स वैल्यू इन इंडिया, इकोनॉमिक वैल्यू में बहुत ज्यादा है क्योंकि इससे बहुत पैसा आता है भारत में, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। किस फसल को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत। विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर? कॉटन, जूट, बार्ले या कॉर्न, बताइए किसको माना जाता है? आंसर होगा जूट को। देखिए यह नकदी फसल है, कैसी फसल है ये? नकदी फसल। नकदी फसल होती है कि फसल को आप घर में रखकर खाने के लिए यूज नहीं करते, आप उसको बाजार में ले जाकर बेच देते हैं, और नकदी फसलें अर्थव्यवस्था के लिए बहुत लाभदायक होती हैं क्योंकि इनके एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, पैसा बहुत ज्यादा मिलता है और दुनिया में इनकी मांग भी बहुत ज्यादा है। इसकी जो है वृद्धि हेतु इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा तथा आद्र जलवायु की जरूरत पड़ती है, यह भी आप याद रखेंगे नकदी फसलों को, ठीक है ना? हाँ जी, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, यानी कि इसको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, हाई टेम्परेचर की। हैवी रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, उसके साथ साथ ह्यूमिड क्लाइमेट, आद्र, इसका मतलब ह्यूमिड, ह्यूमिड क्लाइमेट होनी चाहिए, ऐसे में ये बहुत ज्यादा ग्रो करती है और ये नकदी फसलें जो है ये बेची जाती है, मुनाफा काफी ज्यादा होता है इनसे। अगला क्वेश्चन, यदि वातावरण में ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी तो क्या होगा? इफ देयर वुड बी नो ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर देन व्हाट वुड हैपन? बहुत अधिक गर्मी हो जाएगी, देयर वुड हैव बीन टू मच ऑफ हीट, बहुत ठंड होगी, देयर वुड हैव बीन टू मच कोल्ड, हर जगह बर्फ होगी, देयर वुड हैव बीन आइस एवरीवेयर, या देयर वुड हैव बीन नॉट एटमॉस्फेयर, कोई वातावरण नहीं होगा, क्या होगा बताइए?
वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पृथ्वी से निकलने वाली जो गर्मी है उसको ट्रैप करके ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा करती है। बिल्कुल क्लियर है ये, इसलिए ग्रीन हाउस गैस भी इसे कहा जाता है और इसके बिना पृथ्वी पर जीवन अत्यधिक ठंडा होगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा दोस्तों। यहां पर नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ, केरल की मोनोजाइट रेत में कौन से परमाणु धातु के भंडार भारी मात्रा में पाए जाते हैं? विच न्यूक्लियर मेटल रिजर्व्स आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन मोजोराइट सैंड्स इन केरला? यूरेनियम, रेडियम, थोरियम या बिस्मुथ? आंसर बताइए क्या होगा। आंसर होगा यहां पर थोरियम। अब आप बोलोगे सर यूरेनियम क्यों नहीं है? देखिए यूरेनियम की अगर बात करूं तो यूरेनियम दो तीन जगह से हमारे देश में मिलता है, एक तो राजस्थान से मिलेगा आपको ज्यादातर की बात करूं और एक मिलेगा आपको झारखंड में, लेकिन ये जो थोरियम है ये मिलेगा आपको केरल में, ये आपको याद रखना है। तो केरल में मोनोजाइट रेत की पूछ रखी है तो इसमें भारी मात्रा में थोरियम पाया जाता है यार। चलो ठीक है, लाइक तो कर ही दिया होगा आपने, जरूर करना है। वीडियोस आपके लिए इतनी जबरदस्त पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी आपको, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके लिए लाऊं। तमिलनाडु के कलपट्टू गांव में उगाई जाने वाली फसलें क्या है? व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन इन कलपट्टू विलेज ऑफ तमिलनाडु? कॉटन, पैडी, शुगर केन, कोकोनट या मैंगो? कपास, धान, गन्ना, नारियल या फिर आम? बताइए। देखिए ये सब के सब उगाए जाते हैं, ये सब के सब उगाए जाते हैं दोस्तों। ये जो पैडी है ये मेन क्रॉप है। अगर मैं बात करूं आपके यहां पर, और देखो आपने अगर एक चीज का यहां पर ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा तो धान उगाया जाएगा, लेकिन ये सब के सब उगाए जाएंगे, तो उपयुक्त सभी आंसर होगा यहां पर। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री इज द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स? कौन सा देश हजारों झीलों का जो है भूमि है? बताइए। देखिए फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, लेकिन अंतिम गणना में अन्य देशों के आकार के संदर्भ में देश में 187,888 झीलें थी। ओ माय गॉड, फिनलैंड कितनी थी? मैंने भी कभी इतना नहीं सोचा था, लेकिन जब मुझे पता लगा तो मैं भी हक्का बक्का रह गया था। एक लाख 187,888 झील सिर्फ एक देश में फिनलैंड, और वो इतना बड़ा देश नहीं, छोटा सा देश है। यानी कि जनसंख्या के हिसाब से देखिए तो यहां पर है 5 मिलियन, 5 मिलियन लोग रहते हैं फिनलैंड में, यानी कि हर 26 लोगों की एक झील हो गई इस देश में, हर 26 लोगों की एक झील, देख लो, इसलिए इसे झीलों का देश भी बोला जाता है। तो दोस्त बैक टू स्कूल की एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो जल्दी से। ये आपके जो दोस्त हैं ये बेवकूफ तो है नहीं जो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि एग्जाम की बार 100% क्लियर करना है। तो कल 3 स्टूडेंट ने लिया था, परसों 3 स्टूडेंट ने, और कल 4 स्टूडेंट ने, क्योंकि 23 और 24 आप डेट देख रहे हो। तो दोस्त सब्सक्रिप्शन जरूर ले, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, ऐसी ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, बकायदा आप इनको लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। ये तीसरी वीडियो थी, चौथी वीडियो तब आएगी जब ये वीडियो बहुत ज्यादा व्यूज और लाइक पर पहुंच चुकी होगी। तो आपको जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पढ़ते जरूर रहना है।